कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। बर्मिंघम में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने सफलता की एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे इतिहास में याद किया जाएगा। मंगलवार को लॉन बॉल में महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के 92 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारतीय लॉन बॉल्स महिला टीम ने कोई मेडल जीता है। इस इवेंट में पहली बार हुआ जब भारत ने कोई मेडल जीता हो और वो सीधा गोल्ड मेडल ही है। भारत की बेटियां लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी और नयन मोनी सैकिया, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। हाल के दिनों में खेल और खिलाड़ियों पर सरकार काफी ज्यादा निवेश कर रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स के शुरू होने से पहले ज्यादातर खिलाड़ियों को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन लॉन बॉल्स टीम के खिलाड़ियों के साथ ऐसा कुछ नहीं था। उनके लिए ये सफर इतना आसान नहीं था क्योंकि ना तो उनके पास कोई फंड था और ना ही कोई कोच। जी हाँ, आपने सही सुना, कोच तक नहीं था टीम के पास, यानी सब कुछ अपनी मेहनत से। चारों ही महिलाएं अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं। पिछले 4 साल से वो खुद ही अपने दम पर ही तैयारियों में जुटी थी और अब 4 साल बाद यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ये मेहनत सफल हुई और भारत के नाम गोल्ड मेडल हुआ। महिला टीम की चारों सदस्यों को काफी कम ही लोग जानते हैं। इनमें लवली चौबे झारखंड से आती हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल हैं। नयन मोनी सैकिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती हैं। पिंकी दिल्ली में एक स्कूल में टीचर हैं, जबकि रूपा रानी तिर्की झारखंड में जिला खेल अधिकारी हैं। भारत के लिए इतिहास रचकर स्वर्ण पदक जीतकर कैसा लग रहा है? अपने आप में बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। जब आप पोडियम पे चढ़े और स्वर्ण जब नेशनल एंथम बजा, वो कैसा मोमेंट? एक बॉडी सिहरने का जैसा हम लोगों को लग रहा था, फील हो रहा था, क्योंकि जब हम लोग बॉल फेंकते हैं तो कंसंट्रेट करते हैं तब हमारे हाथ कांपते हैं, वही कपकपी और वही सिहरन सी हमें महसूस हुई। कभी सोचा नहीं था लेकिन आज वो हो गया है। हम लोग का थोड़ा बीच में बिखर गया था, थोड़ा सा हौसला थोड़ा कम हुआ था जब उन लोग ने 8-8 कर लिया था, लेकिन फिर हम लोग को हौसला नहीं छोड़ा। तो फिर हम लोग ने, आप लोग देखा होगा शायद, हम लोग बात किया बीच में, तो बात करने के बाद हम लोग का स्किप ने समझाया कि हम लोग कर सकता है। ये एक सपना के जैसा लग रहा है और हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि कॉमनवेल्थ में मेडल लेंगे और मेडल गोल्ड मेडल लग गया। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, बट आई एम so much happy. I can't explain the feeling right now because it's a dream come true for me. After last 11 years ago we lost by 1 point, now I get it.